हेलो क्लास 7, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 12 इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्शंस। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट हाउ वी मेक द इनडायरेक्ट सेंटेंस और हाउ वी मेक द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच। सो वी आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट स्पीच। सो वी आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। इन दिस केस If the reporting verb in the past tense, the tense of the reported speech is also changed to a past form of the verb. बच्चों देखिए, पहले इसमें ये जान लीजिए कि reported verb क्या है, reporting verb किसे बोलते हैं, reported speech किसे बोलते हैं। जो भी person जब किसी से बात को कहता है तो वो जो person है उसकी वो बात, जैसे दीपा सेड, यहाँ पे दीपा ने कहा तो दीपा सेड टू हर फादर, ये जो पूरी बात है ये कहलाएगी रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, और इसने क्या कहा है, आई एम सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज, जो सेंटेंस कहा जाता है, जो कन्वर्सेशन हुआ होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्ट और रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिए, अगर इन केस यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर अगर यहाँ पर सेट की जगह होता सेज या विल से, यानी कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर यहाँ पर ये टेंस होता रिपोर्टिंग वर्ब का, प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस, तो देयर विल बी नो चेंज एट ऑल इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो स्पीच जो है रिपोर्टेड स्पीच, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर होता सेंटेंस दीपा सेज टू हर फादर, तो यहाँ पे जाता है दीपा टेल्स हर फादर दैट शी इज सॉरी। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ आई एम सॉरी है, ये प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस ही रहता, ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन इन केस अगर यहाँ पर होता विल से, तो भी उस केस में भी यहाँ का टेंस चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर देखिए, ये रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है, इसी वजह से यहाँ पर ये चेंज आएगा इस रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। ओके, अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे सेट टू है तो उसका हो जाएगा टोल्ड, तो दीपा टोल्ड हर फादर दैट, अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था, तो प्रेजेंट टेंस इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच इट वुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू द सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा शी वॉज सॉरी, और आई किस लिए है, क्योंकि दीपा ने अपने फादर से कहा, और किस चीज़ को कहा, अपने लिए कहा, तो शी वॉज सॉरी। ओके, फिर आई सेड टू द टीचर, आई टोल्ड द टीचर दैट, और ये किसने कहा है, आई, यानी कि आई रहेगा, एम वर्किंग का क्या हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन द केस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सो आई एम वर्किंग हार्ड, दिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू आई वॉज वर्किंग हार्ड। द टीचर सेड टू अस, तो द टीचर टोल्ड अस दैट, अस है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, वी हैव की जगह हैड, वी हैड डन वेल। ओके, राम सेड आई हैव बीन इल सिंस मंडे, तो राम सेड दैट आई हैड बीन, हैव का हैड हो जाएगा, और फिर राम खुद कह रहा अपने बारे में, तो ही होगा, आई नहीं होगा, तो राम सेड दैट ही हैड बीन इल सिंस मंडे। ओके, द कोच टोल्ड मी दैट, किसने कहा, यू, तो द कोच सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो, और यू प्लेड वेरी वेल यस्टरडे, तो हम यहाँ कहेंगे द कोच टोल्ड मी दैट, आई प्लेड है सिंपल पास्ट है, दैट वुड बी कन्वर्टेड इन टू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यू हैड प्लेड, तो यहाँ पे यू की जगह आई और प्लेड की जगह हैड प्लेड, तो आई हैड प्लेड वेरी वेल, और यस्टरडे का क्या हो जाएगा बच्चों, द प्रीवियस डे। ऐसे ही आई सेड टू हिम, तो आई टोल्ड हिम दैट, अगर यहाँ पर सिंपल मैंने बोला था आपको कि अगर इन केस यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दैट वुड ऑल्सो सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वुड बी कन्वर्टेड इनटू अगेन इन द फॉर्म ऑफ हैड बीन। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वुड बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो वॉज का हो जाएगा हैड बीन डूइंग माई ड्यूटी। ओके, तो आई टोल्ड हिम दैट आई हैड बीन डूइंग माई ड्यूटी।
रमन सैड आई शैल गो देयर, तो रमन सैड दैट ही शुड का शैल का शुड और विल का वुड, तो रमन, अब रमन जो है वो यहाँ पर सैड अपने लिए कहेगा तो ही और ही के लिए यहाँ पर शैल नहीं लगता बच्चों, वहाँ पर यहाँ पे आ जाएगा विल, तो ही विल की जगह वुड आ जाएगा। ओके तो रमन सैड दैट ही वुड गो देयर। ओके तो आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस चैप्टर, और मैं अभी आपको इस पार्ट में सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगी, इसके आगे थोड़ा सा और भी है कि यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर इन केस कहीं पर कोई बात रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हैबिट है किसी की, या कोई मान लीजिए सपोज हैबिट है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, और भी एक चीज़ हो सकती है कि दैट वुड बी यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिट, हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, परमानेंट फैक्ट है, तो उसका भी कोई टेंस रिमेन अनचेंज रहेगा, यानी कि उसको कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ओके अब जैसे यहाँ पर है ही सैड गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट या ओमनीसेंट, तो ही सैड दैट गॉड इज़ ओमनीसेंट, सेम सेंटेंस। द बॉय सैड दैट आई, तो आई की जगह ही टेक एक्सरसाइजेस डेली। द टीचर सैड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जैक सैड व्हाइल आई वॉज गोइंग, तो व्हाइल ही वॉज गोइंग और व्हाइल ही वॉज सिंगिंग डेला वॉज डांसिंग, मतलब दो अगर दो एक्शंस एक साथ हो रहे हों दो लोगों के, तो उनका भी टेंस चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखेंगे कि कोई अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर कोई हैबिट है या फिर इन केस कोई भी ऐसी बात में जो दो सब्जेक्ट अगर दो एक एक्टिविटीज एक साथ हो रही हों किस सेंटेंस में, तो भी वो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। दैट वुड बी अनचेंज इन द केस ऑफ व्हेन वी कन्वर्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आएंगे हम थोड़ा इंपेरेटिव पे, देख लेते बच्चों। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये हुआ कि कोई आदेश दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई किसी को रोक रहा है, कोई किसी को सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, तो ये सेंटेंस इन केस में जैसे एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, इन सब के केस में यूज़ किए जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि इंपेरेटिव मोड को कन्वर्ट करते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा कर, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्लोज द डोर है, टू क्लोज द डोर, प्लीज़ गो टू द स्टेशन विद मी, तो टू गो टू द स्टेशन विद हिम। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, तो क्या जाएगा, टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। डैट फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, तो क्या जाएगा, डैट टू फॉरगिव मी। ओके पार्डन मी, तो टू पार्डन हिम, ऐसे करके होगा। डू नॉट वेस्ट, नॉट टू वेस्ट, ये बात ध्यान रखिए। लेट मी है तो टू लेट हिम स्टडी, लेट अस गो तो टू लेट, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है वी शुड, ओके वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। ओके अब यहाँ पर सेंटेंस को आपको पहचाना भी पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कमांड दिया रही है, तो कमांड है तो क्लोज द डोर, तो आस्क्ड होगा, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड होगा, अगर इन केस किसी को एडवाइस है तो एडवाइज्ड हो जाएगा, किसी से रिक्वेस्ट किंग तो रिक्वेस्टेड होगा। फिर से देखिए, कहीं पर कोई पार्डन मी सॉरी मांग रहा तो बेग्ड होगा, यहाँ पर एडवाइस की जा रही है तो फिर से एडवाइस्ड आएगा, लेकिन डू नॉट लगा है, डज नॉट लगा तो वहाँ पे नॉट टू आएगा। लेट मी है किसको, किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टेड है, लेट मी है तो टू लेट है, और अगर कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, कोई इसको किसी को एडवाइस कर रहा है, तो वहाँ पर प्रपोज या एडवाइस आएगा, और लेटस आया है तो लेटस की जगह वी शुड हो जाएगा। ये बात आप ध्यान से समझिए बच्चों, इसी के अकॉर्डिंगली ही ये सेंटेंस किए जाएंगे, और बहुत ईजी है, कुछ बहुत टफ नहीं है इसमें। ओके चलिए थोड़े से सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, बॉब सैड माइट इज राइट, माइट इज राइट, वॉट इज दिस, दिस इज अ परफेक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, माइट इज राइट, इट इज अ प्रोवर्ब, ये कहावत है। तो बॉब सैड दैट माइट इज राइट, ओके ऐसे सेंटेंस है, द बॉब सैड दैट माइट इज राइट। आई मेट रिया लास्ट ईयर, दिया सैड टू मी, द दिया टोल्ड मी दैट, दिया टोल्ड मी दैट शी मेट, ओ सॉरी शी नहीं आएगा, दैट आई मेट, और एक बार ध्यान रखेंगे दिया सैड टू मी, यहाँ पर मी में कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप यह ध्यान रखिए, दिया सेड टू मी, दिया ने मुझसे कहा, तो दिया टोल्ड मी दैट, अब वो रिया तो अपने लिए कहेगी ना, आई मेट रिया, तो ये देखिए दिया ने किससे कहा है, दिया ने रिया से कहा है, और रिया अपने लिए मी लगा रही है। ओके दिया ने रिया से कहा, और वो क्या बोल रही है दिया, कि आई मेट रिया लास्ट ईयर, तो आप ये बात ध्यान दो कि यहाँ पे ये बात रिया खुद कह रही है, बट
या दिया के रेफरेंस में करते हैं, दिया टोल्ड मी दैट शी मेट रिया, लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा बच्चों, प्रीवियस ईयर, तो दैट शी हैड, और यहाँ पर मेट लगा है पास्ट टेंस है तो इसको कन्वर्ट करेंगे हैड, पास्ट टेंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर देखिए दिया टोल्ड मी दैट शी हैड मेट रिया लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस ईयर, तो ये मैंने क्या बनाया, दिया टोल्ड मी दैट शी हैड मेट रिया द प्रीवियस ईयर, ओके। ऐसे देखिए सोनम सेड टू मी, तो सोनम टोल्ड मी दैट, यू की जगह क्या हो जाएगा आई, और यहाँ पर यू की जगह आपका ये भी हो सकता है भाई, ये मी है मेरे लिए कहा गया तो आई मेक अ माइट, तो आई माइट स्टे हेयर का देयर, तो सोनम टोल्ड मी दैट आई माइट स्टे देयर, रोहन टोल्ड मी दैट आई का हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ही, तो रोहन टोल्ड मी दैट ही वुड कम इफ ही कुड, देव टोल्ड मी दैट ही कांट का कुड नॉट, दैट ही कुड नॉट कम, नेक्स्ट का हो जाएगा द कमिंग, तो ही कुड नॉट कम द कमिंग वीक, आई टोल्ड द टीचर, तो आई टोल्ड द टीचर दैट दैट आई नीडेड हिज और हर, योर है तो आई नीडेड हिज या हर हेल्प, दैट टोल्ड मी भी हो सकता है, डैड वॉर्न मी दैट आई वॉज आर है ना, तो आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम, अब जैसे यहाँ देखिए ही सेड टू मी, तो क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे, क्या आना चाहिए ही टोल्ड मी दैट, अब यहाँ पे मी उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पर उसने मुझसे क्या कहा आई शैल, उसने अपने लिए बात कही, तो ही टोल्ड मी दैट ही शुड गो टू मुंबई, टुमारो का क्या हो जाएगा बच्चों, टुमारो का हो जाएगा द कमिंग डे, ओके, तो यहाँ पर जाएगा ही टोल्ड मी दैट, he told me that he should go to Mumbai on next day, और हाँ next day होगा, okay tomorrow का next day, the boy said dad I have spoken the truth, तो the boy said that, और यहाँ पे dad कह रहा है ना, तो the boy said to dad, ये भी हो सकता है, या the boy said dad he had spoken the truth, आई डोंट नो वॉट ही विल से टीना टू मी, तो टीना टोल्ड मी दैट, टीना टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट, सिंपल है डोंट नॉट का तो पास्ट टेंस, तो दैट शी डिडेंट नो वॉट ही वुड से, ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम इसको करेंगे, थोड़े सा सेंटेंसेस हम लोग यहाँ पे ये वाले ले लेते हैं, इंपेरेटिव, आई सेड टू हिम दैट वेट हेयर टिल आई रिटर्न, तो यहाँ पे जाएगा आई टोल्ड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न्ड, ही रिक्वेस्टेड मी, लेट मी प्ले इन योर गार्डन, तो रिक्वेस्ट कर रहा, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू प्ले हिम, अब देखिए यहाँ पर लेट के साथ मी लगा, तो लेट मी क्योंकि ना जाके लेट हिम होगा, तो ही रिक्वेस्टेड मी to let him play in his garden. He requested me to let him play in his garden. वैसे तो यहाँ your लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा me है तो यहाँ his और her नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर मेरे लिए बात कहेगी तो my आना चाहिए, गलत हो जाएगा ना his और her, तो he requested me to let him play in my garden. He told his, या ये क्या कह रहा, do as I tell you, तो यहाँ पर order दे रहा था, he ordered his servant to do as he told him, okay. द टीचर said, boys let us sit in the sun, यहाँ पर टीचर प्रपोज कर रही है, तो द टीचर proposed to the boys to let that they हाँ अब यहाँ लेट अस है तो यहाँ पे दे आ जाएगा ना बहुत सारे लोग, तो द टीचर प्रपोज टू द बॉयज दैट दे लेट भी नहीं लगेगा बच्चों, लेट अस तो यहाँ पर मैंने बताया था पीछे शुड आएगा ना यहाँ पे, हाँ तो द टीचर प्रपोज टू बॉयज दैट दे शुड सिट इन द
सन. ओके बच्चों, यहाँ पे आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस. और इन माई नेक्स्ट वीडियो आई वेलकम टू मीट यू सून. टिल देन गुड बाय. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज टू. ओके बाय बाय.